आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल रेसिपी है। 1 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं, आप इसे ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लंबे समय तक ये रेसिपी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और आज हम बनाने वाले हैं गुड़ के मीठे रोट, जिसे आप नाश्ते में दूध के साथ, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। कई लोग इसे मक्खन या दही के साथ भी खाना पसंद कर सकते हैं, और इसे कोरे भी आप खा सकते हो बिना किसी चीज़ के। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो यहाँ मैंने गुड़ लिया है, गुड़ को मैंने इस तरह से गर्म पानी में भिगो के रख दिया है, इस तरह से मेल्ट हो जाना चाहिए। 1 कप गुड़ है और तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है, और इस तरह से हम इसको मेल्ट कर देंगे। तो देसी गुड़ का मैंने इस्तेमाल किया है, आपके घर पे जो गुड़ है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको छान लेंगे ताकि जो भी कचरा है गुड़ में वो निकल जाएगा। यहाँ मैंने 2 कप लिया है गेहूं का आटा। अब इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 इलायची, जिसको मैंने कूट दिया है। अब इसके बाद जो गुड़ का पानी हमने तैयार किया, देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है गुड़। मैंने देसी गुड़ का इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको कलर इसका डार्क लग रहा है पानी का। तो आटे में मैंने इलायची डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे तेल, तो मोयन का काम करेगा। इससे जो हम रोट बनाने वाले हैं बहुत ही खस्ता बनेंगे, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। तो तकरीबन मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है, तेल डाला है इसमें। अब इस आटे में अच्छे से तेल को मिक्स कर देंगे। जैसे हम पूरी या पकवान बनाते हैं उसके लिए हम मोयन देते हैं, बस बिल्कुल उसी तरह से हमें इसको मोयन देना है। तो इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए, इस तरह का हमें मोयन डालना है इस आटे में। तो बहुत ही सिंपल मेजरमेंट है, आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ आटे में मैंने तेल डाल दिया है। अब जो गुड़ का पानी हमने तैयार किया है, इसी पानी में से हम इस आटे को तैयार करेंगे। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नरम आपका आटा नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा कड़क नहीं होना चाहिए। नरम होगा तो बहुत अच्छे से आप बेल नहीं पाओगे, क्योंकि गुड़ का पानी है, गुड़ और शक्कर का पानी होता है, तो कई बार टूटने की संभावना रहती है। तो बिल्कुल ध्यान से हमें आटा लगाना है, इसलिए मैंने पानी का इस्तेमाल बहुत कम किया है। 1 कप गुड़ में हमने आधा कप पानी डाला है, ताकि कम से कम पानी का इस्तेमाल हो लेकिन मिठास अच्छे से बनी रहे। तो ये आटा मैंने बना के तैयार कर दिया। देखिए इस तरह का हमारा आटा बनना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा नरम ना बहुत ज़्यादा कड़क। अब इस आटे को हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। अब आपका पानी अगर बच जाता है, अब इस गुड़ के पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक और रेसिपी बता रही हूँ, जिससे आप इस गुड़ के पानी को यूज़ कर सकते हैं। इस गुड़ के पानी में हम डाल देंगे गेहूँ का आटा। तो बिल्कुल डोनट्स जैसा ये नाश्ता बन के तैयार होगा। तो बच्चों को डोनट्स बहुत पसंद होते हैं, तो बस बिल्कुल उसी तरह से हेल्दी वे में हम एक अच्छी सी चीज़ बना सकते हैं जो बच्चे ऐसे भी खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ मैंने आटा लगा के तैयार किया, इस तरह से लिक्विडी बैटर हम तैयार कर देंगे। अब जो आटा हमने लगा के तैयार किया था रोट का, अब उसको हम इस तरह से लोई में ले लेंगे। एक मीडियम साइज़ की मैंने लोई ले ली है, और इस तरह से अंगूठे और अंगुलियों की मदद से हम इस तरह से इसको चकले पे दबा देंगे। दोनों साइड से अच्छे से हम इसको दबाते रहेंगे, ताकि बहुत अच्छा शेप इसका आए और किनारे बिल्कुल सही रहें। तो इस तरह से दबाते हुए हल्के हल्के हाथों से हमें दबाना है, और इसको हम बेल लेंगे। अब हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए हम इसको बेल लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि ये फटना नहीं चाहिए, तो इसलिए बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम इसको बेल लेंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ी थिक रखना है हमको, ताकि जब हम इसको सेकेंगे तो बहुत अच्छे से सिक जाएगा, और रखने के बाद भी ये लंबे समय तक अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैंने सारे रोट बेल के तैयार कर दिए हैं, अब हम इनको सेक लेंगे। तो इस तरह से आप सारे एक बार में बेल के रख सकते हो, और जब आपको सेकने हैं तो आप इनको तवे पर अच्छे से बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे हमें इसको सेकना है। तवा मैंने बहुत अच्छे से गर्म किया है, हल्का सा तेल डाल दूंगी, और बिल्कुल धीमी आंच पे, हमें गैस की फ्लेम को तेज नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे अच्छे से लाल होने तक दोनों तरफ से हम इसको सेकेंगे, और बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इसको फ्राई नहीं करना है, हमें इनको सेकना है। हल्का सा तेल मैंने लगाया है ताकि ये तवे पर चिपके ना। तो बहुत अच्छी तरह से आराम से हम इसको धीमी आंच पे सेकेंगे, ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए, और बाहर से आप देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है। तो बस इस तरह से हमारे रोट तैयार होंगे, और इसके ऊपर हम लगाएंगे देसी घी। जब हम निकालेंगे तवे से बाहर, उसके बाद हम इसमें अच्छे से आधा चम्मच देसी घी लगा देंगे, और अच्छे से ये नरम बने रहेंगे। तो हमने मोयन डाला है अच्छे से अंदर, बाहर हम देसी घी लगाएंगे। बहुत अच्छी तरह से ठंडे होने के बाद आप इसको डब्बे में बंद करके रखें, आराम से आपके चलेंगे। अगर आपको किसी को बाहर भेजना है ट्रैवलिंग के लिए, अगर आप लेके जा रहे हो कुछ नाश्ता, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपको बाहर किसी को भेजना है तो आप उसको भेज भी सकते हो, तो 15 से 20 दिन, इवन महीना भर तक ये ख़राब नहीं होंगे। तो अब जो आटा हमने तैयार किया था, जो लिक्विड बैटर हमने तैयार किया था,
उसके इस तरह से हम लोग पूवे बना देंगे, जैसे हम पकौड़े तलते हैं, बस उसी तरह से मैं इसको तेल में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। गर्मा गर्म बिल्कुल डोनट जैसे टेस्ट इसमें आएगा। हमने यहाँ पे गेहूं का आटा और गुड़ का इस्तेमाल किया है, तो गुड़ का पानी अगर बचता है तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अप्पे पैन में भी आप बना सकते हो, तो छोटे छोटे से डोनट्स या आप कह सकते हैं मिनी केक्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो तैयार हो गया हमें, देखिए हमारी एक ही बैटर में से हमने दो चीज़ें बना दी गुड़ के पानी में, तो यहाँ तैयार है हमारे रोट। आप इनको गर्मा गर्म सर्व करें, आप चाहें तो इन्हें रखें आराम से 15-20-25 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर आप नए आए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसकी जानकारी मिलेगी। तो तैयार हो गए हमारे दो दो बढ़िया से नाश्ते, जो बच्चों को पसंद आएंगे, साथ में बड़े भी इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी एक नई और रेसिपी के साथ। थैंक यू।